हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10 का चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 4 से ऑलरेडी 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख चुके हैं। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हमारे सिलेबस में नहीं है, उससे हम लोग का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो आइए चैप्टर 5 से आज हम लोग देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइम स्टोन इज एसोसिएटेड विथ, इनमें से लाइम स्टोन के साथ क्या जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए दिया गया है सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन बी है इजिनियस रॉक्स, ऑप्शन सी है मेटामॉर्फिक रॉक्स, या फिर ऑप्शन डी होगा टर्शियरी रॉक्स। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, खेतरी माइंस आर फेमस फॉर, खेतरी माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दिया गया है कोल, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है कॉपर, या फिर ऑप्शन डी होगा आयरन। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर, स्टेट विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इज, मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है कर्नाटक, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी होगा उड़ीसा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है असम, या फिर ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, रैट होल माइनिंग इज फाउंड इन, रैट होल माइनिंग कहाँ है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी दिया गया उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी होगा मेघालय। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। क्वेश्चन है, झारखंड में कोडरमा गया हजारीबाग निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन ए है बॉक्साइट, ऑप्शन बी है आयरन ओर, ऑप्शन सी है कॉपर, या फिर ऑप्शन डी होगा मीका। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मीका। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज ए फॉसिल फ्यूल। अब क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन ए है कोल, ऑप्शन बी है जिरकॉन, ऑप्शन सी है यूरेनियम, या फिर ऑप्शन डी होगा बैरियम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 है, उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ओर ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। क्वेश्चन दिया गया है, उड़ीसा निम्नलिखित खनिजों में से किस अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है मीका, ऑप्शन सी है मैंगनीज ओर, या फिर ऑप्शन डी होगा आयरन ओर। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैंगनीज ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल, निम्नलिखित में से कौन एक गैर धातु खनिज है। ऑप्शन ए दिया गया है लेड, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है लाइमस्टोन, या फिर ऑप्शन डी होगा कॉपर। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता है। ऑप्शन ए है मैग्नेटाइट, ऑप्शन बी है लिमोनाइट, ऑप्शन सी है सीडेराइट, या फिर ऑप्शन डी होगा हेमेटाइट। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द फेरस मिनरल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह खनिजों के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए है आयरन ओर इज ए फेरस मिनरल, ऑप्शन बी है फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स, ऑप्शन सी है फेरस मिनरल्स प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, या फिर ऑप्शन डी होगा इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस फेरस मिनरल्स इन लार्ज क्वांटिटीज। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस फेरस मिनरल्स इन लार्ज क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फेरस मिनरल, निम्नलिखित में से कौन एक लौह खनिज नहीं है। ऑप्शन दिया गया है मैंगनीज, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है आयरन। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज कंसिडर्ड एज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। ऑप्शन ए है नेचुरल गैस, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है कोल, या फिर ऑप्शन डी होगा फायरवुड। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज ऑब्टेंड थ्रू वाइन्स एंड लोट्स, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिराओं और गांठों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है कोल, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, ऑप्शन सी है टीन, या फिर ऑप्शन डी होगा लेड। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा पवन फार्म क्लस्टर है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी दिया गया राजस्थान, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी होगा हिमाचल प्रदेश। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 है, द लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है माधवपुर, ऑप्शन सी है भूज, या फिर ऑप्शन डी होगा नागरकोइल। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, माधवपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 है, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज द स्टेटमेंट फॉर, ऊर्जा की बचत ऊर्जा का उत्पादन है, कथन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, द बालघाट माइंस आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डैश इन इंडिया, बालघाट की खाने भारत में डैश की सबसे बड़ी उत्पादक है। तो इसमें हम लोग को भरना है कि इसमें क्या भरा आएगा। ऑप्शन ए दिया गया है कोल, ऑप्शन बी है मीका, ऑप्शन सी है गोल्ड, या फिर ऑप्शन डी होगा कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज सस्टेनेबल एनर्जी, स्थायी ऊर्जा क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है यूज ऑफ कॉन्वेंशनल एनर्जी, ऑप्शन बी है अलॉटिंग फंड्स फॉर प्रोमोटिंग नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी, ऑप्शन सी है यूजिंग एनर्जी इज बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड कंजर्विंग इट फॉर फ्यूचर, या फिर ऑप्शन डी होगा एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज टू देयर मैक्सिमम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूजिंग एनर्जी इज द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड कंजर्विंग इट फॉर फ्यूचर। एक आखिरी क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट मिनरल्स आर यूज फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर, परमाणु या परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है क्वाइल, ऑप्शन बी है लाइमस्टोन, ऑप्शन सी है यूरेनियम, या फिर ऑप्शन डी होगा बॉक्साइट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरेनियम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।